वेट का तो हमें इतना ज्यादा मुझे फिलहाल इशू नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ा इज फेवरेट है ये लड़का। नहीं प्यारी जगह है ये वाली, कुकू है सजाता है टूटी बन कोट चौधरियाँ। और येलो भी लगता है सख्त है ये, ये दूर नहीं जा रही है। सर्कल कार है नेड़े, अच्छा है ना, मैंने मेहनत की है। ये मैडम डायना, ये आप किसके पोन हो सर? जो भी बंदी आपको चकवाल में नजर आए ना, रेड़ियां रोड को बैठ गए हैं देखिए ना, बच्चे इतने क्यूट हैं। और अल्लाह ना करे मैंने आज फिर गोबर लगाया वो अपने पाँव के साथ। नहीं है भाई, नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अच्छा जी आज हम दोबारा कहाँ पे आए हैं, इनकी बातें नहीं खत्म होती। आज हम लोग कहाँ पर आए हैं, हम आए हैं नीला होटल बुस्तान होटल नीला रोड पे जो है। और यहाँ पे अम्मी हम क्या करने आए हैं, भाई ने हमें कहा था कि थोड़ी सी वॉक करेंगे। भाई ने हमें कहा था कि यहाँ पे कुआं है तो वहाँ पर लेके जाएंगे, वहाँ का कोई साग वगैरह बहुत अच्छा है तो वहाँ पर जाके चेक करेंगे। वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन पहली मिशन हमारा वॉक है। आगे जहाँ जहाँ जाएंगे आपको फिर हम जरूर दिखाएंगे। हमें आप उठा के लाना, ये ले थोड़ा सा पानी पिए और बस अभी जाते हैं, थोड़ा सा पी लें। जी पी लेते हैं। बहने लोग अभी यहाँ पर बैठेंगी, हम लोगों ने चाय वैसे पी ली है आके, और ये लोग अभी ड्रिंक पी के आएंगी, हम लोग अभी निकलने लगे। मैं और अम्मी, मैंने और मेरी अम्मी ने तैयार की है कि अभी हम लोग वॉक करेंगे। हम दोनों बिल्कुल पहले सोच रहे हैं, हम दोनों बिल्कुल वॉक नहीं करते। वेट का तो इतना इशू नहीं है, लेकिन मेन जो इशू है अम्मी का इतना ज्यादा नहीं है, देखते हैं। तो वेट का तो हमें इतना ज्यादा मुझे फिलहाल इशू नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ा नहीं, मेरी अम्मी इतनी मोटी नहीं है, वैसे आपको देखने में क्यूट लगेंगी, लेकिन ये है कि हम दोनों बिल्कुल ज्यादा हो गए हैं, लेजी हो गए हैं। यकीन माने थोड़ी देर किचन में दोनों जाती हैं आधा घंटा, उसके बाद खाना खा के हम गिर जाती हैं भाई। मतलब वॉक करनी चाहिए ना, तो हम लोग वैसे प्लान बना रहे हैं कि हम पार्क वगैरह जाया करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत रात को शुरू करते हैं। अभी आज हमने कहा है भाई हम लोगों ने साग तोड़ने जाना है, वो वाला रास्ता बंद हुआ है। साग हमें पता नहीं तोड़ेंगे या नहीं, एक चक्कर लगा के आते हैं। हालात क्या हैं, हमारे पापा ने हमें कहा हुआ है कि अब साग आएगा तो जमा आएगा। सरसों को उन्हें इतना पसंद नहीं है, खा तो लेते ही है ना मी, साग पसंद है पापा को, लेकिन जमा इज फेवरेट। तो बस अभी हम जाते हैं, पराठा बहुत मजे का, सरसों के साग का पराठा है, सो वैसे गुड। अभी मैं और अम्मी निकले हैं, पीछे से देखिएगा पूरी फौज आपको मिलेगी, क्योंकि उनको इतनी रीस आ जाती है ना हम दोनों की वजह से। और हम इस ट्रेन में से जाते मैं और अम्मी तो तौबा, अम्मी आज तक ना ना अच्छा दिन जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज का ऐसे इतना सुकून हमारा वीकेंड कभी भी नहीं गुजरा। फिर कल से सब अपने अपने काम जाएंगे, तो चलो कम से कम थकावट उतरी भी होगी। फिर बाबा हम चेक करें, आगे इमरान भाई हैं जो होटल वाले भाई हैं, ये हमें किसी साग की जगह पे लेके जा रहे हैं, पीछे हम दोनों जा रहे हैं, और इससे थोड़े टाइम पीछे हमारी बहनें भी आ जाएंगी। कितनी प्यारी जगह है ये वाली, आगे मैं पहली दफा आई हूँ यहाँ पे, मिशा आई हूँ जिसको नहीं कहती बैम्बू स्टिक, मेरी बहन बहुत ऐसे छोटी कहती है बर्गर बची। जब आप चेक होने लगे ये देखें, ये मूलियाँ, अस्सलाम वालेकुम, ये मूलियाँ टिपर वगैरह शलजम जिसको बोलते हैं, अम्मी शलजम। मैंने बैग उठाया नहीं अभी, कितनी प्यारी जगह ये वाली, अम्मी तमाश तक होगा कुत्ता शुत्ता तो नहीं, और ये इनके अपने घर हैं, ये बेम्बू स्टिक है किसके छोटी बहन होती थी चिढ़ जाना था उसने, ये किसके घर बने में बेम्बू स्टिक नहीं है, ये वो हैं जो उसमें होती हैं, ये उसमें किस में होती हैं, अच्छा स्पोर्ट होती है। यार घर कितना प्यारा है इन लोगों का, इतनी खूबसूरत जगह है, इसकी इंतहा नहीं है। अंदर देख क्या, अंदर मतलब कैसे, उधर प्रॉपर उधर अंदर व्यू कितना प्यारा है। वैसे जगह इन जगहों पर रहने का मजा आता है, वैसे सही बात जो बताएं, जिंदगी ऐसे गर्म हो रहा है, सफाई भी साफ भी रखा है। ये मारती तो नहीं है, इसको टेडी बकरी बोलते हैं, टेडी। और ये लोग भी लगता है सख्त है ये, नहीं नहीं क्यूट है वैसे ये बहुत ज्यादा। मम्मी तन नहीं चढ़ोन दे रहा, मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा काला थी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, सारी ही प्यारी हैं।
अम्मी को मिल गया शायद जमा का साग, आपको भी चेक कराते हैं। जमा नहीं मिला, सही मजेदार साग है लवा। अम्मी इनका घर कितना प्यारा लग रहा था। हाँ मैं आपको भी ऐसे बना दीजिए तो आसान तो। कितनी प्यारी है इसकी, बिल्कुल ताजा ना, लवली। अच्छा मेरी अम्मी डाई हार्ट फैन ऑफ साग। ये चकवाल का एरिया है भाई, जगह का क्या नाम है? मुंडे रोड। उधर भी डॉग फैसल का बोर्ड लगा हुआ होटल के साथ, इधर भी डॉग फैसल का। ठीक है, ये डॉग फैसल है मुंडे रोड। ये चकवाल शहर में आता है, ये कौन से गांव का हिस्सा बनता है? ये चकोड़ा कॉम्प्लेक्स के बनता है। अच्छा चकोड़ा। बहरहाल जो भी है बहुत ही खूबसूरत है भाई। अल्लाह, ये पीछे इमाम बरगा है ना न्यू सिटी का, मेंगन का। मैं कहती थी मेंगन का, मैं फिर भी अम्मी अक्कल वाली बात करती थी। ये पता है क्या कहता था, ये जो बलकसर में नई जरी ये दूर दी जरी है, ट्रक आ रहा है नेड़े। तो ये जो है इमाम बरगा न्यू सिटी का, सामने राइट साइड बाहरी कार की नहीं, बाहरी कार की, बाहरी कार की आती दिखी खुल जाएगी। ये यहां से अब तोड़ी है ये, अब यहां से तीन चार और निकल आएंगे। कितना तोड़ लिया, हल्का सा बाहर से घुमाएंगे राइट साइड, राइट। मेरी यही कुछ है मम्मी की, लेकिन बस मम्मी का दिल जवान है पर साग एवरग्रीन। मम्मी थक गए ना, मम्मी आखे तू सीखो यो यहां से ऐसे ऐसे और रंग लेने हैं, भला केड़ा रंग लेंगे। और मम्मी कह रही है भाई अब ये किस चीज के लिए आपने रखना है, बहनों के आने के लिए क्या? होने लगे हमारे घर फ्रीज होने लगा है। यस, वो क्योंकि होता है जो नीचे थोड़ा सा नीचे वाला जो जमीन के साथ है। जमीन ही अच्छा है, बिल्कुल लवी, मुझे समझ आ गई है। जैसे ये रुको मैं मम्मी को दिखाती हूं, ये देखिए ये बिल्कुल जो एक ही थी। चलो पीछे से ट्रेनिंग शुरू हो गई, ये बड़ी बड़ी नहीं। चलो जैसे भी बना ना साग मैंने अभी तक तोड़ लिया। ये सामने हमारे दो बछिंदे भी पहुंच चुके हैं। अम्मी अभी खुद नहीं तोड़ी, हम दोनों ने तोड़ा, बाकी इनकी ड्यूटी लगाते हैं। मेरे से ज्यादा नंबर दिए, मुझे कम नंबर दिए। ये अच्छा है ना, मैंने मेहनत की है। मुझे लगा ये पट्टे को मैंने ऐसे इतने इतने मुन्ने मुन्ने तोड़े लवे के चक्कर में, लेकिन इसने ज्यादा तोड़ा अभी। खैर कोई नहीं, कुछ नहीं होता। पीछे मेरी बहन चल के आ रही है, मैडम डायना। ये आप किसके पोन सर आ रहे हैं, मुर्गियाँ चेक करें। ये देखें ये भी छोटी, सो डिफरेंट। वैसे नहीं प्यारा व्यू है ये, हम और हमारा साग। अभी अम्मी कह रही है यहाँ से हम पालक लेंगे और फिर हम देखते हैं क्या करना है। बैंगन देखे जी, बैंगन यार कितनी प्यारी जगह है। ये देखें जी अंदरून चकवाल नहीं, ये बैरून चकवाल आ गए ना, शहर चकवाल के बाहर वाला हिस्सा है। मेरी बहनें हर टाइम मेरा मजाक बनाती रहती हैं और ये मैं। नहीं प्यारी जगह, पता नहीं क्यों मुझे लग रही है। मेरी अम्मी को तो इरादा फिर से डाइवर्ट हो गया कि हमें अपना घर शिफ्ट कर लेना चाहिए ऐसी जगह पे, लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम डेरा वगैरह यहाँ रखें, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा डेली लाइफ सर्वाइव करना सिटी के बगैर। बहरहाल अभी पों की हालत है सो बैड। और क्या ये मेरी बहन अपने आज जो भी बंदी आपको चकवाल में नजर आए ना इन जोगर के साथ, आप समझी गई ये मेरी बहन ही है। इसकी बारी में कभी आपको, कभी मैं आपको घर की कुछ चीजें चेक कराऊंगी। इस बंदी के पास इतने जूते हैं ये जूते सर्दियों लेकिन गर्मियों में जो उस दिन मैंने नया लिया, बस वो ब्लैक ब्लैक। मतलब दो जब तक पुरानी चीज टूटती नहीं, नई चीज नहीं मतलब पहनती, ये मर लेती एक चीज। जितना बंदा खराब होता ना बंदा की आके मुंह है, लेकिन वैसे हर टाइम मेरी छोटी बहन को तो जितना आपको शम्मा शिक्का वाला बच्चा नजर आएगा वो मेरी बहन होगी। क्या अम्मी यार अम्मी पार्लर कितनी प्यारी है, नहीं रखी हुई है बाहर सब्जी रखी हुई है लोगों ने। हाँ अम्मी पों की देखना क्या हालत हुई है, जो तीन दौड़ियाँ पहुँच सचेंगी मल दल हाँ अल्लाह मीन भी हूँ तो बस मैं तो कि दौड़ी लगी हुई मैं जरा की मम्मू को ऐसी ताई मैं जा के दिला मैं उसकी बैठी जा। अम्मी यहाँ पर कुछ जगह ढूंढ रही हैं डॉग फेस्टिवल में, किसी और को पता है तो ढूंढ, अगर किसी को पता है तो हमें बताएं। मेरी अम्मी को यहाँ पे जगह खरीद, पीछे आप इनकी बातें सुन रहे हैं पूरा हमारा जल्ला खानदान है। ये देखो ये बिल्कुल इसमें कोई नहीं होता, नरम होती है, इसे गोभी सरसों कहते हैं। गोभी सरसों क्या मतलब,
पैदल ही बस अम्मी पैदल ही अम्मी बस वॉक कम है राती कौन ही ना ये डॉग फैसला है पालक अभी कट रही है हम सब बेड़िया रोड को बैठ गए हैं यही कुछ हमारी पट्टे पे और मैं ये खा रही हूँ साहब मैंने अपने बर्गर बच्चे को यहाँ से छील के दिया खा लिया तुमने मजे के लिए भाई ये बर्गर बच्ची हमारे घर की है ना मजा आया ना आज बहुत मजा आया सही आज बहुत सारा ये आज नहीं रही थी आती तो मजा आता ना शुक्र आ गई है मेरा दिमाग इतने क्यूट है मारम बेटियां ऐसी होती हैं छोटी तुम देखो ना वो मारम बेटियां हैं जो काम करती हैं माँ बाप कमाई करती हैं कमा के अल्लाह जाने कहां दफन करनी अल्लाह जाने और किधर का इधर कुत्ते भी आने बस और हमने कितनी खरीदारी कर ली है साग जूते, भी जूते पालक भी और अल्लाह ना करे मैंने आज फिर गोबर लगाया वो अपने बहू के साथ तो बस तक पार अम्मी कह रही है मैंने लगाया है बट आई फील मैंने नहीं लगाया रुको मुझे देखने दो नहीं है भाई नहीं लगा आज कोई नहीं अपने भी तो ज्यादा रखो नहीं लगे आते यार उस दिन तो साइडों तक निकल आया था तो बस छोड़ के सारी गल मैं आप तक करी मैं ही कहता हूं अम्मी आके मैं लाया मैंने बस समझ लग गई मैं कमी नहीं थे मैं नहीं था मैं यार मेरी दोनों बहनें तो मेरे साथ हैं वो आप पीछे देखने कैमरा लगाए ना आप साथ साथ सब कुछ लेके जा रहे यार ये प्लीज यार ये प्लीज उतार दो भाई ये देखना मौलवी बहन मेरी ओए ओए शिट यार ये क्या हो गया है कसम के ओके यार सारा ध्यान देख भी चला करो ना थोड़ा ध्यान पता नहीं आगे से ना आप से लोकां दे लोग कहन पे करे दे पहन में ना आप ना कोई नहीं ध्यान कौन नहीं 5000 ही मैं पता मी आंदा है अल्लाह जाने कितने दा पर शुक्र अल्लाह तक मैं तमाशे पूरी दुनिया पे हिसाब करनी है मैं छड़ा वीडियो मेरे वीडियो दावा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू हाय दोबारा जी हम अपने अपने होटल पे अपने प्यारे नीले होटल पे आ गए अलबुस्तान होटल में नीला होटल पता नहीं क्यों अपना लगता है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत आते हैं मैं तो हमें अपनी रस्म कायम की हुई है अच्छा जी मेरी अम्मी को गर्मी आ गई हम चले बहुत है ना और बस आज का व्लॉग हम अपना यहाँ ख़त्म करते हैं दिन बहुत अच्छा गुजरा भी का हमारा वो जगह बहुत प्यारी थी आप भी आए हमें हमी हम आज आप आई भी थी पहले यहाँ पे नहीं उस साइड पे नहीं गई अच्छा मुझे लगा आप आई भी होंगी लेकिन हम गए थे ना वो साथ वाली जगह देखने अच्छा दूर से बताया था अंदर लेकिन पहली दफा हम इस जगह पे गए थे जहाँ पर लेकिन जगह बहुत प्यारी थी आप भी डॉग फैसल से यार मेरी छोटी बहन सो अनोइंग शर्म नहीं आती आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अल्लाह हाफिज तुम भी बोलो अल्लाह हाफिज मुँह भरा है इन्होंने फिर पानी से